नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा संचालित मनपा सीबीएसई स्कूल में नर्सरी से सातवीं कक्षा तक रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नवी मुंबई महानगरपालिका स्कूल क्रमांक 93 सेक्टर 50 नेरुल, नवी मुंबई महानगरपालिका स्कूल क्रमांक 94 सेक्टर 11 कोबखैरने व नवी मुंबई महानगरपालिका स्कूल क्रमांक 98 सारसोले, इन तीनों ही जगहों पर इस साल सन 2024-2025 के लिए नर्सरी से कक्षा सातवीं तक की रिक्त सीटों पर निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चलिए बताते हैं कि कितने रिक्त सीटों के लिए ये प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि नर्सरी के लिए मनपा स्कूल क्रमांक 93 नेरुल में 120 सीटें, कोपेखरने स्कूल क्रमांक 94 में 80 सीटें और सारसोले स्कूल क्रमांक 98 में 40 रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। वहीं जूनियर केजी के लिए सारसोले स्कूल क्रमांक 98 में मात्र 10 रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। सीनियर केजी की बात करें तो सारसोले स्कूल क्रमांक 98 में 10 रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। पहली कक्षा की बात करें तो स्कूल क्रमांक 93 नेरुल में 8 रिक्त सीटें, वही सारसोले स्कूल क्रमांक 98 में 10 रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। वहीं दूसरी कक्षा की बात करें तो स्कूल क्रमांक 94 कोपरखैरने में 10 सीटें, वहीं स्कूल क्रमांक 98 सारसोले में 17 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। तीसरी कक्षा की बात करें तो स्कूल क्रमांक 93 नेरुल में 22 सीटें व स्कूल क्रमांक 94 कोपेखेरने में 16। वहीं चौथी कक्षा की बात करें तो स्कूल क्रमांक 93 नेरुल में 9 रिक्त सीटें और कोपेखेरने स्कूल क्रमांक 94 में 16 रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। पांचवी कक्षा की बात करें तो नेरुल स्कूल क्रमांक 93 में 5, वही कोपेखैरने स्कूल क्रमांक 94 में 3 रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। छठवी कक्षा की बात करें तो स्कूल क्रमांक 93 नेरुल में 11 सीटें, स्कूल क्रमांक 94 कोपेखैरने में 8 सीटें, वहीं कक्षा सातवीं की बात करें तो स्कूल क्रमांक 93 नेरुल में मात्र 1 रिक्त सीट, वहीं स्कूल क्रमांक 94 कोपेखैरने में मात्र 14 रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि प्रवेश के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन www.cbse.nmmcoedu.in इस वेबसाइट पर ही भरना होगा। आवेदन भरने की अंतिम तारीख है 4 जून 2024। प्रवेश के लिए कुछ जरूरी नियम भी रखे गए हैं। बता दें कि स्कूल के 1 किलोमीटर के अंतराल में रहने वाले छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। प्रवेश क्षमता से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं केवल शिक्षा ही निःशुल्क होगी, मगर बस सेवा के लिए शुल्क भरना पड़ेगा। अभिभावकों को प्रवेश की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। वही माता पिता को सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और अपलोड किए गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ मूल दस्तावेजों को स्कूल में जमा करवाना अनिवार्य होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन के जरिए ही ये प्रवेश प्रक्रिया हो पाएगी। स्कूल प्रवेश की सभी अधिकार नवी मुंबई मनपा आयुक्त के पास ही निहित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।